तो हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं दाबरू पोल्ट्री। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रॉयलर का वजन क्यों नहीं बढ़ता, व्हाई ब्रॉयलर नॉट गेन बॉडी वेट। तो इस बात पे यार अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। उससे पहले बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल पोस्ट लिखा हुआ है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप डिटेल में वो पूरे के पूरा पोस्ट पढ़ सकते हैं। वैसे इस वीडियो में भी मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले, अगर जो ब्रॉयलर का बॉडी वेट नहीं बढ़ता है, वो तीन रीज़न होते हैं। पहला होता है चिक्स, किस क्वालिटी का आप चिक्स लेते हो, कहाँ से चिक्स लेते हो। दूसरा आता है फीड, और तीसरा आता है मैनेजमेंट। ये तीन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से किसी ब्रॉयलर का बॉडी वेट नहीं बढ़ता। वैसे तो लोग बॉडी वेट के नाम पे अगर बात करें तो लोगों का, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका 15 से 18 दिन के अंदर 1 किलो हो जाता, वो सब बकवास बातों को रहने देते हैं, उस सबको साइड में रखते हैं। कुछ मेन रीज़न होते हैं ब्रॉयलर का बॉडी वेट नहीं बढ़ता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि फीड और उसके बाद मैनेजमेंट, तीन रीज़न होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रॉयलर का बॉडी वेट इतने दिन में इतना आ रहा है, इतने दिन में इतना। पहले ये जान लेते हैं कि ब्रॉयलर का बॉडी वेट नॉर्मली कितने दिन में कितना आता है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो 1 किलो जो बॉडी वेट आता है ब्रॉयलर का, वो जो बेचने लायक साइज में हो जाता है तंदूरी उंदूरी, वो जो आपको आ जाएगा, अगर ठंडी चल रही है, अच्छी खासी ठंडी चल रही है, गुलाबी ठंडी है, 21 दिन के अंदर आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल आपका 1 किलो का बॉडी वेट आ जाता है। नहीं तो नॉर्मली आप देखेंगे कि नॉर्मल सा मौसम चल रहा है तो 24 दिन के अंदर आता है, और कहीं पे गर्मी और भीषण गर्मी पड़ रही है तो ये आपका बॉडी वेट 28 से 30 दिन के अंदर आ जाएगा। और वहीं पे अगर 2 किलो की बात करें तो नॉर्मल अगर ठंडी उंडी चल रही है तो 33 दिन के अंदर 2 किलो का बॉडी वेट आ जाता है, और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रहा तो 32 दिन के अंदर भी आ जाएगा। और अगर कहीं गर्मी और बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है तो 42 से 45 दिन के अंदर जो है आपका 2 किलो बॉडी वेट आ जाता है। अब ये जान लेते हैं कि चिक्स, कौन सी चिक्स हम लोग लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी वेट नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मल अगर किसी लोकल हैचरी से चिक्स ले लेते हैं, जिसकी चिक्स की क्वालिटी जिस हैचरी की बहुत ही अच्छी नहीं है, वहाँ से अगर हम लोग चिक्स लेते हैं तो ये बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रॉयलर का जब वो नॉर्मल जो है उसका वेट नहीं बढ़ता। दूसरा ये है कि कोई ऐसी हैचरी है जिसका रेपुटेशन ही ख़राब है, मतलब उसके चिक्स डालने का मतलब है कि चिक्स का ना तो वेट बढ़ने वाला है, ना ही चिक्स के अंदर जो है मोर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली, तो ऐसे भी आपको हैचरी से बच के रखना है। उसके बाद अभी इस समय ट्रेंड में है बी ग्रेड चिक्स। जो बी ग्रेड चिक्स होते हैं वो नॉर्मल आप जब शुरू में लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया, लेकिन जब आप लास्ट में कैलकुलेट करने बैठते हैं, उसकी मोर्टेलिटी देखते हैं, उसका बॉडी वेट देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार ए ग्रेड ही चिक्स ले लेना चाहिए था, बी ग्रेड चिक्स मैंने क्यों लिया है। ये कुछ रीज़न हो जाते हैं चिक्स में। तो चिक्स को अगर आपको इस रीज़न को सुधारना है तो सबसे पहले बता दूँ, एक अच्छे ब्रॉयलर का सही टाइम पे अगर बॉडी वेट लेना है तो आपको अच्छा कंपनी का चिक्स डालना होगा। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, हब्बार्ड हो सकता है, रॉस हो सकता है, उसके बाद वेनकॉब हो सकता है, किसी का भी हो, कॉब का भी हो, वो बस एक रेपुटेटेड हैचरी से हो, हैचरी की साफ़ सफाई हो, हैचरी का पाशिकॉर्ड अच्छा हो, वहाँ के अगर आप चिक्स लेते हो उसका मैनेजमेंट अच्छा करते हो तो वो अच्छा खासा बॉडी वेट आपको देने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको चिक्स के ऊपर। दूसरा आता है फीड। फीड में क्या होता है कि इस समय काफ़ी सारा मार्केट में फीड है, आपको 1.5, वैसे तो लोग 1.4 बोल के बेच रहे हैं, उसके बाद जब आप उसे खिलाते हो तो 1.9 या 1.8 तक का भी FCR आता है। अगर मार्केट की बात कर लें तो मार्केट में इस समय 1.4, 1.5, 1.6 तक के FCR, और उससे ऊपर जाएंगे तो 1.7 तक के FCR के मिल रहे हैं, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे तो ब्रॉयलर फार्मर बोलेगा हम खरीदेंगे नहीं तुमसे, तो इतने FCR के फीड मिल रहे हैं। एक अच्छी आपको, अगर आपको आपके बर्ड को अच्छा बॉडी वेट लेना है तो नॉर्मली 1.5 FCR वाला जो फीड होता है उसके ऊपर जाएं। 1.5 FCR के फीड के अंदर काफ़ी अच्छा ही होती है, थोड़ा सा महंगा मिलता है नॉर्मली, वैसे तो मुझे सस्ता मिल जाता है लेकिन क्या थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं उसके साथ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है लास्ट में, क्योंकि वो जैसे कि नॉर्मल जो फीड है, नॉर्मल जो क्या बोलते हैं 1.6 FCR वाला फीड है, वो कहीं पे अगर आपका ये इतना बैग है, करीब आपका 1000 बर्ड का अगर आपका फार्म है तो 64 बैग खा के लगभग आपका 2 किलो बॉडी वेट आता है 1000 ब्रॉयलर में। लेकिन अगर आपका 1.5 का FCR वाला फीड है तो वो क्या करेगा, आपका 60 बैग खा के ही आपको जो है 2 केजी का एवरेज दे देने वाला है,
और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप उसे लास्ट में कैलकुलेट करते हैं दोनों को 1.5 और 1.6 FCR को, तो लास्ट में आपको लगता है यार 1.6 वाला हमको महंगा पड़ रहा है, 1.5 FCR वाला हमको सस्ता पड़ रहा है। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फीड में। लेकिन अभी तो फीड में ज़्यादातर फार्मर जो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अच्छा फीड कर खिला सके, क्योंकि अभी जो पोल्ट्री में जो चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रेट ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि अभी बीच में इससे पहले सावन से पहले रेट काफ़ी अच्छा था, 100 का करीब करीब 2 से 3 महीने तक 100 का रेट था, और अभी तो ऐसी हालात हैं कि 42 रुपया 43 रुपया 53 रुपया इस तरह से बॉयलर बिका है। अभी तो खैर रेट में थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है, लेकिन फिर भी तो वो क्या कर रहा है, किसी कंपनी के साथ जुड़ रहा है तो कंपनी वाले का फीड का FCR वैसे भी अच्छा नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी के साथ अगर आप जुड़े हो तो उसका एक FCR कोई बहुत ही अच्छा नहीं आने वाला है। उसके बाद ये होता है कि फार्मर किसी डीलर के साथ जुड़ जाता है, और डीलर भी वो करता है कि उसे जिस फीड पे ज़्यादा कमीशन मिलता है वो फीड खिलाता है, तो वहाँ पे भी फार्मर थोड़ा परेशान रहता है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप कैश में हैं तो कैश में 1.5 FCR वाला फीड लो, लेकिन अगर डीलर के साथ हो तो डीलर से बोलो कि भाई आपका ये फीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा दाना खा के FCR दे रहा है, तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला फीड का यूज करो। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको देखना है उसका ब्रूडिंग। अगर आपकी ब्रूडिंग अच्छे से होगी तो ही आपको जाके एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। ब्रूडिंग अच्छा करने के लिए आप जो है गैस हीटर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, और उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ब्रूडिंग आपको अच्छे से करना है। दूसरा है आपकी जो भूसी जो होती है उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एक दो बैच की यूज्ड भूसी का यूज करते हैं तो आपका बॉडी वेट गेन नहीं होता। वैसे तो मैं करता हूँ और अच्छा खासा बॉडी वेट गेन कर, लेकिन वो एक ट्रिक होती है, वो कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद ये दो चीज़ हो गई, भूसी और आपकी ब्रूडिंग अच्छी हो गई। उसके बाद आपको जो भी स्प्रे करना है फ्लेम गन का भी यूज कर सकते हैं अपने चिक्स डालने से पहले। फ्लेम गन के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीन चीज़ आपको देखना है। उसके बाद ये तीन चीज़ अगर आपकी सही है, आपका ब्रूडिंग सही हो गई, उसके बाद आपने आपका जो भूसी है वो एक अच्छी फ्रेश भूसी का यूज किया है, और फ्लेम गन का यूज करते रह रहे हैं ताकि जो भी डिसइंफेक्टेंट है वो ख़त्म हो, तो आपका बॉडी वेट बढ़ना तय है। दूसरी कुछ बातें आती हैं पानी के अंदर। अगर आपके पानी का क्वालिटी अगर का अच्छी नहीं है तो आपके बर्ड में बीमारियाँ लग सकती हैं, और अगर बर्ड में बीमारियाँ लगती हैं तो उसका बॉडी वेट गेन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी डिजीज़ एक बार आ गई तो वो डिजीज़ को जाने में भी टाइम लगेगा, आप उस पर पैसे खर्च करेंगे, तो इसकी वजह से कुछ चांस होते हैं कि अगर बर्ड में डिजीज़ आती है तो भी आपका बॉडी वेट सही टाइम पर गेन नहीं होगा। तो बॉडी बॉयलर में वैसे कई सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन नॉर्मली 4 बीमारियाँ देखी जाती हैं, 2 वायरल 2 बैक्टीरिया। वायरल में जो है रानीखेत और गम्ब्रो ज़्यादातर आता है, वैसे कुछ केसेस में अगर लेयर वेयर है तो मैरेक्स भी आ जाता है, तो वो लेकिन कम देखा जाता है, वो सब लेयर का है। बॉयलर में नॉर्मली रानीखेत और गम्ब्रो है। उसके बाद अगर इसी के साथ बात कर लें इसके साथ और क्या क्या आता है, तो इसमें आता है बैक्टीरियल में CRD और ई कोलाई, ये दोनों हैं। ये जो 4 बीमारियाँ बताई हैं, ये 4 बीमारियाँ मुख्यतः जो है इसमें देखी जाती हैं बॉयलर में, और काफ़ी बड़े पैमाने में बॉयलर में हो जाता है, क्योंकि ये सब जो है मैनेजमेंट की गलती है। तो यहाँ पे अगर आप आपके बॉयलर को किसी भी तरह से डिजीज़ से अगर आप बचा ले जाते हो तो भी आपको बॉयलर का बॉडी वेट अच्छा देखने को मिलता है। तो लास्ट में इस वीडियो की समरी ये है कि अगर आपके बॉयलर को अच्छा बॉडी वेट देना है तो आपको जो है उसमें जो है कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, उसका चिक्स की क्वालिटी आपको अच्छी लेनी है, अच्छा चिक्स लेना है। दूसरा, आपको एक अच्छा FCR वाला फीड यूज करना है, नॉर्मली 1.5 FCR का फीड यूज करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और तीसरा, आपको मैनेजमेंट अच्छा करना है। मैनेजमेंट में आपको भूसी फ्रेश यूज करनी है, ब्रूडिंग अच्छा यूज करना है। ब्रूडिंग के लिए आप इलेक्ट्रिक ब्रूडर गैस ब्रूडर का यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको बीमारियों से बचाना है, वाटर ट्रीटमेंट अगर आपके पानी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका एक बार टेस्ट करवा सकते हो, या फिर उसमें सुक्रीना मिला के दे सकते हो। और सुक्रीना विरबैक कंपनी है, विरबैक कंपनी का प्रोडक्ट है सुक्रीना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप उसे टंकी का पानी भी यूज करते हो, टंकी से अपने बर्ड में पानी देते हो, यानी कि आपका ऑटोमेटिक ड्रिंकर, उसमें अगर आप सुक्रीना डाल के यूज करते हैं तो भी आपके अंदर बैक्टीरियल डिजीज जो भी पानी के थ्रू से आती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका बर्ड
नॉर्मल सही टाइम पे उसका सही वजन आएगा, जिससे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो ब्रॉयलर का वजन क्यों नहीं बढ़ता उसमें मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी। आने वाली वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा और शॉर्ट करते जाऊँ और उसे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देते जाऊँ। और सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पर डालता हूँ, तो वेबसाइट की लिंक भी नीचे है, वहाँ पर भी जाके जाओ और वेबसाइट को जो है अपने बुक मार्क के अंदर सेव करके रखो। कोई भी रोज़ के रोज़ वेबसाइट पे जाओ, रोज़ के रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और वेबसाइट पे मैंने अभी चिक्स का रेट भी डालना शुरू कर दिया, जो कि हर मंडे को आता है। तो ये सारी कुछ बातें थी, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे आपका कोई भी कमेंट, कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करो। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।